नमस्कार, नीतू का ढाबा यमी लेशियस में आप सबका स्वागत है। मेरी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मटर और नारियल के पेड़े। ये देखने में जितने सुंदर है, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। झटपट बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इंतज़ार किस बात का, चलिए आप भी देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं हमें हरे मटर के पेड़े के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है फ्रेश हरे मटर एक कटोरी, उसके अलावा ये खोया है पौनी कटोरी, ये होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डाली है, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही ये है 3/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर गोला कसावा, ये आधी कटोरी चीनी, मैंने पीसी हुई चीनी ली है, आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं। और चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप कितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से रखिए, आप आधी कटोरी से पौनी कटोरी तक चीनी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए कुछ काजू बादाम, इलायची पाउडर और ये है रोज़ एसेंस, आप रोज़ एसेंस की जगह रोज़ पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए होगा 2 चम्मच घी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा मटर है हमें इसकी प्यूरी बनानी है, तो मैं इसको मिक्सी में पीस के थोड़ा से बहुत ही कम पानी के साथ पीसूंगी और इसकी एक अच्छी सी प्यूरी तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है, नियरली इसमें मैंने 1 चम्मच जितना ही पानी डाला है और ये मेरी प्यूरी तैयार हो गई है। मैं इसे ट्रांसफर कर लेती हूँ अपने इस कांच के बोल में। ये मिठाई आप दिवाली के मौके पर बनाइए, बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी बनती है, बनानी भी आसान है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। लीजिए मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है, अब मैं अपना ये गैस ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं डालूंगी हमारी 2 चम्मच घी। जब तक घी पिघल रहा है मैं ये काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा सा कूट लेती हूँ, आप चाहे तो कूटिए चाहे तो इसे बारीक काट दीजिए या फिर एक ड्राई फ्रूट कटर भी आता है आप उसमें भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं। ये हमारा घी पिघल चुका है, अब मैं इसमें ये हमारा खोया डाल देती हूँ। और इसे हमें कम आंच पे भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होके पिंकिश नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मेरा मावा रेड होने लगा है, अब मैं इसमें हमारी ये चीनी ऐड कर दूंगी, साथ ही चीनी के साथ मैं इसमें एक डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं।
बारी आती है इसमें इलायची पाउडर ऐड करने की। ये देखिए मैं आधा चम्मच इतना इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच। और ये हमारे नट्स है, इनको ऐड कर रही हूँ। सब बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब मैं गैस बंद करके इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। आप चाहे तो इस कढ़ाई में भी इसको ठंडा कर सकते हैं और आगे के लिए आप दूसरी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, बट कढ़ाई में थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे एक अलग बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप किसी भी बोल में, किसी भी प्लेट में इसको ट्रांसफर कर लीजिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये लीजिए, मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है। अब जो दूसरा काम करना है वो ये है कि इसमें हमें हमारा ये जो रोज एसेंस है वो डालेंगे। हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस हम दो ड्रॉप डालेंगे। दो ड्रॉप डाल के हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है और एक साइड पे रख देते हैं। अब दोबारा हम गैस ऑन करते हैं और एक चम्मच घी डालते हैं। बारी आती है ये जो हमारी मटर की प्यूरी है वो डालने की। और ये मटर की प्यूरी को हमें इसमें तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। ये देखिए हमारी प्यूरी जो है अब थिक हो गई है। नहीं, सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, मार्केट में मटर मिलनी शुरू हो गई है, दिवाली है अगले हफ्ते, तो क्यों ना एक बढ़िया सी मटर की मिठाई ही बना ली जाए। और ये देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है। अगर आपको ग्रीन कम लगे तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो इसका नेचुरल कलर है वही रहे। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा खोया मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। खोया डालने के बाद इसमें खोया भी है, चीनी भी है। हमारा ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला होगा और हमें इसे गाढ़ा करना है। अब बचा हुआ खोया का मिक्सचर भी हम इसमें डाल देते हैं। एक साथ मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम जब थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो चलाना, मिक्स करना आसान रहता है। और मटर को पहले भूनना जरूरी है जिससे मटर का जो थोड़ा कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि हमने कच्ची मटर ही पीसी है, हमने इसे बॉईल करके नहीं पीसा है। बस अब हम इसे तब तक स्टेयर करेंगे जब तक ये एक अच्छा डो फॉर्म नहीं हो जाता है।
हम इसे थोड़ी देर और भुनेंगे, नियरली 5 मिनट और। ये देखिए अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल भुन चुका है, अच्छा सा एक डो फॉर्म हो रहा है। अब हम गैस ऑफ करके इसको वापस से इस बोल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा उस टाइम पर ही आपको इसके पेड़े बनाने हैं, क्योंकि अभी गर्म है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए वरना आपके हाथ जल जाएंगे। और क्योंकि ये अच्छी तरह भून गया है, इसका डो फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमें इसके पेड़े बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है, ग्रीन कलर, एकदम मटर का नेचुरल कलर। इसमें आपको कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये ऑप्शनल है भाई, अगर आप इसको ज़्यादा डार्क ग्रीन चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, मैं प्रिफर नहीं करती हूँ। तो बस अब कुछ नहीं है, हम इसे वेट करते हैं इसका ठंडा होने का और फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है हमारा ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, अब ये हम इसको आराम से टच कर सकते हैं, गर्म नहीं है। अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे इस तरह से। ये मिक्सअप हो गया है और हम ये लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसमें हमें इसे रैप रोल ऑन करना है। अब मैं ये लेती हूँ, एक बॉल बनाती हूँ इस तरह से। ये लीजिए, मैंने बॉल बना ली है, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दिया है, पेड़े का शेप दिया है, और इसी तरह से मैं और बॉल्स बना लेती हूँ। फ्लैट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा मोटा बन गया है, इसको थोड़ा सा निकाल के फिर से बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं इसके सारे पेड़े बना लूंगी। देखिए बस आपको ऐसे गोल गोल इसे घुमाना है एक लड्डू की तरह, और इसको प्रेस करना है। कितना अच्छा, कितना सुंदर पेड़ा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इसके पेड़े बना के इसको इस तरह से कोकोनट पाउडर में रोल कर लिया है, और ये मैं रख रही हूँ हमारे जो कपकेक मफिन्स के ये जो होते हैं मोल्ड्स पेपर कैप्स के, उसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ही रखिए, ये बस इसलिए कि थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा लगता है भाई, थोड़ा अलग तरीके से हम अगर अपने गेस्ट को इसे सर्व करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब देखिए अगला मैं क्या करती हूँ, ये एक कुकी कटर है स्टार शेप का, तो ये कुकी कटर से मैं इसको थोड़ा सा शेप दूंगी। पहले इसको फ्लैट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और ये इस तरह से हल्का सा प्रेस करूंगी, और इसको निकाल लिया। ये देखिए इसमें आपको स्टार का शेप दिख रहा है, और इससे मैं बीच में एक होल कर लेती हूँ छोटा सा एक। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसमें हमें करना क्या है, ये जो हमारे सिल्वर बॉल्स हैं ये हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
बस इसी तरीके से हम अपने सारे रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं। ये जो मैंने शेप दी है स्टार और ये जो सिल्वर बॉल्स लगाए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बस मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और इसलिए किया है। बाकी आप चाहे तो इस तरह से सिंपल पेड़ा भी बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, दिवाली का मौका है, बनाइए, खाइए, खिलाइए, सबको पसंद आएगा और लोगों को गैस करने दीजिए कि ये पेड़े आखिर बने किसके हैं। तब तक मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।